1.4.1 विविधता तथ्य और प्रमाण वेरिएशन एंड एविडेंसेस रिलेटेड टू इट। गलापागोस में डार्विन को तथ्य के रूप में कई प्रकार के जीवाश्म मिले। यहाँ के वर्मी आर्माडिल्लो का जीवाश्म यह दर्शा रहा था कि पूर्व के वर्मी काफी बड़े थे, जबकि उस समय डार्विन ने जिन वर्मियों का अध्ययन किया वे आकार में छोटे थे, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। उनके मन में यह बात आई कि समय के साथ वर्मियों में बदलाव आया है। जीवाश्मों के अध्ययन से हम क्या पता लगा सकते हैं? डार्विन ने कई अन्य जीवों के जीवाश्म जैसे घोंगे, सरीसृपों, स्तनधारियों के अध्ययन से बताया कि जीवाश्म पूर्व तथा वर्तमान में पाए जाने वाले जीवों के आपसी संबंध के साथ साथ वर्तमान में पाए जाने वाले जीवों के आपसी संबंध दर्शाने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। गलापागोस के फिंच जाति के पक्षियों का अध्ययन करते समय डार्विन कुछ और तथ्यों के बारे में विचार करने लगे। फिंच हमारे देश की गौरैया की जाति से मिलते जुलते हैं। गलापागोस में डार्विन ने लगभग 15 अलग तरह के फिंच का अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि वैसे तो सारे फिंच एक जैसे हैं, मगर अलग अलग टापुओं पर मिलने वाले फिंच थोड़े अलग थे। खासकर इनकी चोंच और पंख के रंग में बहुत अंतर नजर आया। डार्विन ने सभी फिंच की चोंच को नापा तो आश्चर्यचकित हुए कि उनकी चोंच में इतनी विविधता कैसे है। उन्होंने देखा कि अलग अलग चोंच वाले फिंच का भोजन भी अलग अलग था। कुछ बीज खाते थे, कुछ फल, कोई कीड़े खाते तो कोई फूलों का रस चूसते। गलापागोस के टापुओं में किसी टापू पर कीड़े थे तो कहीं ऐसे पौधे जिनके बीज कठोर आवरण वाले थे, तो कहीं नरम फल वाले पौधे भी थे। जितनी विविधता चोंच में थी उतनी ही विविधता खाद्य संसाधनों की उपलब्धता में भी दिखाई दी, अर्थात कार्य के अनुसार चोंच में विविधताएं थी। डार्विन का मानना था कि यह फिंच इक्वेडोर चित्र के अनुसार से उड़कर गलापागोस पहुंचे होंगे और फिर अलग अलग टापुओं के अलग अलग परिवेश में जीने लगे। यह इसलिए संभव हुआ होगा क्योंकि फिंच की प्रजाति में भी विविधताएं थी। एक जैसी चोंच वाले पूर्वजों से कार्य के अनुसार फिंचों की चोंच में विविधताएं सजातीय लक्षण होमोलोगस कैरेक्टर था और डार्विन ने इसे एक महत्वपूर्ण प्रमाण माना। सजातीय लक्षण क्या है? आइए इसका अवलोकन एक क्रियाकलाप से करें। पहले पौधों में, फिर जंतुओं में।